अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज एक बड़ा ही दिल नशीन और बड़ा ही दिल फरेब वाक्य है, वो आपसे शेयर करना है। ये वाक्य जो है ये हमें 1400 साल पीछे लेके जाता है। आप तसव्वुर करें कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह वाफ़ूस हैं और हजूर के इर्द गिर्द असहाबा किराम तशरीफ फरमा है, मस्जिद नबवी है और वहाँ पे हजूर अपने सहाबा से गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि एक खातून वहां पे दाखिल होती है और उसके साथ एक बच्चा भी मौजूद है। खातून ने हजूर से अर्ज की, ऐ कायनात की जान, ऐ करीमों की करीम, ऐ हबीबे किबरिया, मेरी एक छोटी सी इल्तिमास है, एक छोटी सी गुजारिश है, एक छोटी सी अर्ज है और वो मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि हाँ बताइए क्या मामला है। उस खातून ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जो ये बेटा है, ये छोटा बेटा है, ये ना सुनता है और ना ही बात कर सकता है। हुजूर मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और अब मैं चाहती हूँ कि कोई मेरा सहारा हो, लेकिन ये मेरा एक ही बेटा है और ना ये बोल सकता है और ना सुन सकता है। ऐ तायदारे कौनैन, इसको जुबान अता हो जाए और इसकी समातें बहाल हो जाए, मेरी इतनी सी इल्तिमास। हुजूर सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे की तरफ गौर से देखा और आपने फरमाया, या वालद, ऐ बेटे। अब सरकार के मुंह से ये अल्फाज निकलना था कि बच्चा बोल उठा और उसने कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ए जाने आलम, ए उसने मुजस्सम, ए पैकरे रौनाई, ए हबीबे मुकर्रम, ए रसूल अकरम, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर। तो सरकार ने कहा, या वलद, ए बेटे, तुम पहले क्यों नहीं जवाब देते? इस बच्चे ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से पहले किसी ने इस अंदाज में पुकारा है, आप पुकारें तो पत्थर कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं, आप अगर सदा दें तो कायनात की हर चीज जो है वो जवाब देना शुरू कर देती है, हुजूर अकरम आप कह दें तो जानवर जो है वो कलाम करना शुरू। या रसूल अल्लाह, आज से पहले किसी ने इस अंदाज से पुकारा है। बच्चे की गुफ्तगू को सुन के माँ की आंखों में आंसू आ गए और हजार बार शुक्र अदा करती हुई हजूर के दरे रहमत से रुखसत हो गई। तो साथियों, एक चीज यहाँ पे ये समझ आती है कि अल्लाह ताला अपने महबूब तरीन बंदों को, महबूब तरीन हस्तियों को जब नवाजता है तो कितना नवाजता है और उन्हें क्या क्या खूबियां और क्या क्या ताकतें अता कर देता है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों दरूद और करोड़ों सलाम।